हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. ग्रीटिंग्स टू ऑल. दिस इज़ मी साक्षी अग्रवाल हेयर इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एंड टेस्ट. सो ये वीडियो आज का इंपॉर्टेंट होगा उन सभी के लिए जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, GSSSP, NVS, KVS एंड द एग्ज़ाम रीट, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें टॉपिक कवर होता हो, तो वो सभी इन वीडियो को देख सकते हैं. सो जो भी आपको इसमें अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट लगे उसकी आप स्नैप ले सकते हैं या फिर उसे कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विथ यू. सो विथ दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द क्लास और ला बिगेंस द वीडियो. सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 8 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कौन सी होती है, जो कि टीचर क्या कर सकता है जिससे टेस्ट करके रिजल्ट निकाल सकता है. सबसे पहले है डायरेक्ट टेस्टिंग. डायरेक्ट टेस्टिंग, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, इसमें टीचर क्या करेगा, जो भी उसका मोटिव होगा, जो भी उसको टेस्ट करना होगा, वो एक डायरेक्ट मेथड से निकालेगा. यानी कि मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो टीचर को चेक करना है कि बच्चे का वोकैब कैसा है, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों से कुछ 2-3 शब्द बोल देगा बच्चों को और बच्चों से पूछेगा कि इनके मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग. अगर बच्चों को आते होंगे तो बता देंगे. इससे टीचर का क्या है, सीधा मोटिव पूरा हो जाएगा. टीचर को वो कैब पूछना था, टीचर ने सीधे सीधे बच्चों से वो कैब पूछ लिया, बच्चों ने बता दिया और ये डायरेक्ट टेस्टिंग हो गई. टेस्टिंग इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डायरेक्टली द स्किल विच वी विश टू मेजर. यानी कि हमने डायरेक्टली जो भी हमारी विश थी बच्चों से पूछ ली. एग्जाम्पल है, वी आर स्टूडेंट्स टू राइट कम्पोजिशन इफ़ वी वॉन्ट टू नो हाउ वेल दे कैन राइट कम्पोजिशन. यानी कि अगर एक टीचर को जानना है कि बच्चे कम्पोजिशन कितनी अच्छी लिखते हैं, तो बच्चों से सीधा कह दे कि बच्चों कम्पोजिशन लिख के दिखाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आस्क देम टू स्पीक इफ़ वी वॉन्ट टू नो हाउ वेल दे कैन प्रोनाउंस अ लैंग्वेज. यानी कि अगर हमें जानना हो कि एक बच्चे की प्रोनंसिएशन कैसी है, तो हम सीधा उससे कहे कि एक पैराग्राफ वो रीड कर दे, ताकि जब वो पढ़े तो हम उसकी प्रोनंसिएशन देख ले. सो ये सारे एग्जाम्पल और ये सब डायरेक्ट टेक्स्टिंग के अंदर आ जाएगा, जिसमें टीचर क्या करेगी, जो भी उसकी विश होगी उसे डायरेक्टली अप्लाई करेगी. नेक्स्ट हम करेंगे इनडायरेक्ट टेस्टिंग, जो कि नाम से पता चल रही है डायरेक्ट टेस्टिंग की उल्टी होती है. यानी कि इसमें क्या करेगा टीचर, इनडायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट टूल्स का यूज़ करके टेस्टिंग करेगा. जैसे कि इनडायरेक्ट टेस्टिंग अटेम्प्ट्स टू मेजर द एबिलिटीज विच अंडरलाई द स्किल्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड. यानी कि जो भी हमें टेस्ट करना है वो निहित होगी या फिर छुपी हुई होगी हमारी टेस्टिंग के अंदर. जैसे कि वी टेस्ट प्रोनंसिएशन एबिलिटी बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच राइम विद ईच अदर. जैसे कि अगर टीचर को जानना है कि बच्चों का प्रोनंसिएशन कैसा है, तो बच्चों को एक स्टैंजा देगी, उसके अंदर उससे पूछेगी कि भाई इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं. बच्चा राइमिंग वर्ड्स सही सही बोल देगा तो टीचर जान जाएगी कि बच्चे का प्रोनंसिएशन ठीक है. पर टीचर ने इसमें राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया बच्चे के प्रोनंसिएशन को जानने के लिए, इसलिए राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करना इनडायरेक्ट टेस्टिंग के अंदर आ गया, क्योंकि टीचर ने अपनी डायरेक्ट विश को डायरेक्टली नहीं पूछा. यानी कि टीचर का जो विश था या फिर जो भी मोटिव था, उसने उसको डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा, इसलिए इनडायरेक्ट टेस्टिंग के अंदर आएगा. आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की. इट डजंट रिक्वायर जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्कोरर बिकॉज स्कोरिंग हेयर इज ऑब्जेक्टिव. It won't change even if the scorer has been changed. MCQ is an example of this kind of test. इसमें क्या होता है, जैसे कि MCQ के अंदर होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक आंसर है. अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 बच्चे हैं, चारों ने एक क्वेश्चन का ए आंसर लगाया है, और मान लेते हैं कि ए आंसर ठीक भी है. पर जब चारों ने ए आंसर लगाया, तो चारों का उस ए आंसर को लगाने के पीछे का क्या मोटिव था, क्या टीचर उसको जज कर सकता है, नहीं कर सकता. टीचर को तो बस ए मार्क देखकर, ए आंसर देखकर ही उसको मार्क देना होगा. तो इसमें क्या होता है, जजमेंट इन्वॉल्व नहीं हो पाती, टीचर नहीं पहचान पाता कि बच्चे ने किस मोटिव से, तुक्के से, समझ के, रट के, कैसे निशान लगाया ए को. तो इसमें जजमेंट प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता है, और स्कोरर टू स्कोरर ये डिफर नहीं करता, क्योंकि अब वो चारों स्कोरर थे जिन्होंने ए पे टिक लगाया और चारों को स्कोर मिला उसका. तो यानी कि स्कोरर कैसा भी हो, हम उसमें डिफर नहीं कर पाते, किसकी वजह से, इस ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की वजह से. तो इसके अंदर MCQ टाइप के टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं. आगे हम बात करेंगे सब्जेक्टिव टेस्ट की, जो कि ऑब्जेक्टिव से उल्टा हो जाएगा, यानी कि जजमेंटल प्रोसेस इसमें इंक्लूड हो जाएगा, स्कोरर टू स्कोरर डिफर करेगा. यानी कि जैसे कि टीचर ने बच्चों को कह दिया कि कंपोजिशन लिखो, अब एक बच्चे के विचार कुछ अलग होंगे उस कंपोजिशन में, दूसरे के कुछ अलग होंगे, तो टीचर दोनों के विचार पढ़ के जज कर सकता है
जो भी उसके पॉइंट्स जजमेंट के उसने क्राइटेरिया बना रखा होगा, यानी कि इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, और ये स्कोरर टू स्कोरर डिफ़र करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं दो बच्चों के एक जैसे भाव हो जो कंपोजिशन में लिखे, दोनों अलग सोचते होंगे तो इसलिए दोनों के अलग भाव उसमें आएंगे। सो इट रिक्वायर्स जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द स्कोरर बिकॉज स्कोरिंग हेयर इज सब्जेक्टिव, द ग्रेड्स एंड सब्जेक्टिव टेस्टिंग डिपेंड ऑन द इम्प्रेशन ऑफ द स्कोरर, दीज इम्प्रेशंस आर नॉट द सेम अमंग डिफरेंट स्कोर्स, example has scoring of a composition is an example of this kind of testing. Next हम करेंगे अपना discrete point testing. It refers to testing of one element at a time, item by item. यानी कि हम single point को इसमें consider करके चीज़ों की test करते हैं. This kind of testing is always indirect. हमेशा indirect methods में use होगा. Each testing involves a particular item. हम एक एक item को consider करके अपनी testing करेंगे. टेस्टिंग पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग, यानी कि अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बच्चे से टेस्ट करें कि बच्चे ने वर्ब को कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट को कहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखा है, यानी कि हम पर्टिकुलर आइटम को, हर एक आइटम को क्या कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं. सो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा, डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग के अंदर. अगली बात करते हैं इंटीग्रेटिव टेस्टिंग. जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, इंटीग्रेट है, इनकी मिला जुला टेस्ट है. इट इंक्लूड्स मैनी लैंग्वेज एलिमेंट्स इन द कम्प्लीशन ऑफ अ टास्क, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस का टीचर यूज़ करेगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए. इट माइट इन्वॉल्व राइटिंग अ कंपोजिशन, टेकिंग नोट्स वाइल लिसनिंग टू अ टेस्ट एंड कंप्लीटिंग अ क्लोज पैसेज, यानी कि मान लो टीचर ने बच्चों को कहा कि मैं एक पैराग्राफ बोलती हूँ, उससे तुम्हें क्लोज टेस्ट कंप्लीट करना है, और साथ में क्या करना है, तुम्हें एक नोटिंग भी करनी है जो जो पॉइंट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे. अब इसमें बच्चा तीन काम एक साथ कर रहा है, सबसे पहले तो टीचर का जो पैराग्राफ है उसको लिसन कर रहा है, दूसरा वो उसके नोट्स बना रहा है, और तीसरा उसको ये सब करने के बाद क्लोज टेस्ट भी करना है जो टीचर ने उसको दिया है. सो ये इंटीग्रेटिव टेस्टिंग के अंदर आ जाएगा. आगे बात करेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग रिलेट्स वन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अदर स्टूडेंट, यानी कि इस टेस्टिंग के थ्रू क्या होगा कि एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेट किया जाएगा कि भाई किसने कितना अच्छा किया है, फिर किसके किस चीज़ में क्या अंतर है जो कि उसके मार्क्स दूसरे से कम है. वी डोंट से दैट स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वेल इन लैंग्वेज, बट वी से दैट द स्टूडेंट गेन्ड अ स्कोर दैट प्लेस हिम और हर इन द टॉप 5 स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द सेम टेस्ट, यानी कि बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं, एक प्लेस पे रख सकते हैं बाकी बच्चों के साथ. अगला है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट. इसमें क्या है, हम बस एक क्राइटेरिया सेट कर देते कि अगर जैसे कि 33% है, 33% से नीचे वाला फेल, ऊपर वाला पास. द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग वेदर दे आर एबल टू परफॉर्म सम टास्क सेटिस्फैक्ट्रीली, हु परफॉर्म द टास्क सेटिस्फैक्ट्रीली पास, दोज हु डोंट फेल. वी मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन रिलेशन टू मीनिंगफुल क्राइटेरिया. एक मीनिंगफुल क्राइटेरिया तय किया जाता है जिससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को निकाला जाता है. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 8 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट, यानी कि कौन कौन से 6 तरीके के टेस्ट है जिसको टीचर अप्लाई कर सकता है. फर्स्ट अपना हो जाता है प्लेसमेंट टेस्ट. जॉब वगैरह के टाइम पे जो प्लेसमेंट होती है, यानी कि आपको देखा जाता है कि आप में क्या क्या क्वालिटी है और उसके हिसाब से आपको राइट प्लेस मिलता है. सो इट इज़ यूज टू प्लेस न्यू स्टूडेंट्स इन द राइट क्लास इन अ स्कूल, यानी कि न्यू स्टूडेंट्स जो है उनका टेस्ट लिया जाता है ताकि उनको राइट क्लास में डाला जाए. हालांकि RTE के हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसमें तो होमोजीनियस क्लास हो जाती है, क्योंकि उसमें एज के हिसाब से बच्चे को डाला जाता है. पर हाल क्योंकि हम यहाँ पे प्लेसमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि जो न्यू स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनका टेस्ट लिया जाएगा, और फिर उनको उनके टेस्ट के आधार पर, उनकी नॉलेज के आधार पर राइट क्लास में डाला जाएगा. इट असेस स्टूडेंट्स प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव स्किल, ये स्टूडेंट्स की प्रोडक्टिव स्किल और रिसेप्टिव स्किल दोनों पे गौर करता है. इट इज़ डिज़ाइन टू शो हाउ गुड अ स्टूडेंट इज़ इन इंग्लिश इन रिलेशन टू अ प्रीवियसली एग्रीड सिस्टम ऑफ लेवल्स. देखा जाता है कि बच्चा जो है वो इंग्लिश में कितना अच्छा है previously agreed system से, यानी कि previously time से आगे, या फिर previously level से आगे. हम बात करेंगे diagnostic test की. it is used to discover students problem, difficulties or deficiencies in a course, यानी कि मान लो अगर टीचर ने एक टेस्ट लिया और उसमें बच्चों के मार्क्स एक्सपेक्टेड नंबर से कम रहे,
तो टीचर क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, यानी कि उनकी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करेगा, कहाँ कहाँ उनकी डेफिशिएंसी रही या फिर कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है जो कि उनके नंबर कम आए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है जैसे कि डॉक्टर क्या करता है, जब हम उसके पास जाते हैं तो सीधा हमें दवाई नहीं देता, वो पहले क्या करता है, डायग्नोस करता है, छानबीन करता है कि परेशानी है कहाँ, किस बॉडी पार्ट में है, किस बॉडी ऑर्गन में है, फिर वो उसको देखकर उसकी दवाई देता है। तो यानी कि डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है और फिर रेमेडी करता है। तो ऐसे टीचर देखेगा कि डायग्नोस का प्लेस क्या है, उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे अटकी हुई है या फिर प्रॉब्लम है क्या। वी यूज़ दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सो एज टू बी एबल टू डू समथिंग अबाउट दम। इसमें टीचर क्या करता है, एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने की कोशिश करता है ताकि वो उसके लिए कुछ कर सके, उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रेस या फिर अचीवमेंट टेस्ट की। इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड द स्किल प्रोग्रेस इन रिलेशन टू द सिलेबस दैट हैव बीन फॉलोइंग। इसमें क्या, ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक बच्चे की प्रोग्रेस देखी जा सके कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है अपने सिलेबस में। दिस टाइप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंग्वेज कोर्सेज एंड डन ड्यूरिंग द कोर्स, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम जैसे जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे वैसे आप उसको चेक करते रहते हैं, और एक लैंग्वेज कोर्स है, यानी कि लैंग्वेज कोर्स ही आप इससे टेस्ट करते हैं। अगला है फाइनल प्रोग्रेस या फिर अचीवमेंट टेस्ट। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि टीचर क्या करेगी, एंड ऑफ द कोर्स मेजर करने की कोशिश करेगी स्टूडेंट की अचीवमेंट। इट इज़ डन एट द एंड ऑफ द कोर्स टू मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स और कोर्स, यानी कि टीचर लास्ट में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया, कितना सीखा। नेक्स्ट हमारा बनता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मोस्ट स्टूडेंट्स टेक दिस टाइप ऑफ टेस्ट टू एडमिट टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, गेट अ जॉब और ऑब्टेन सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एबिलिटी इन अ लैंग्वेज, बेसिकली प्रोफिशियंट कितने हैं आप, एबल कितने हैं, ये देखने के लिए प्रोफिशियंसी टेस्ट किया जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा लास्ट वन, विच इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ डिज़ाइन टू डिस्कवर वेदर अ स्टूडेंट हैज़ अ टैलेंट और बेसिक एबिलिटी फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज और नॉट। ये बेसिकली टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि क्या बच्चा कैपेबल है एक नई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। सो इसलिए टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। सो यही सारे टेस्ट और टेस्टिंग हमने देखे आज इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। एक बार आप चाहे तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि हमारे 8 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग देखे थे। फर्स्ट है डायरेक्ट टेस्टिंग, टीचर की जो विश होती है वो टीचर डायरेक्टली फॉलो करती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्ट टेस्टिंग कर लेती है। इनडायरेक्ट टेस्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट टेस्टिंग का उल्टा होता है, टीचर को जो विश होती है इनकी उसे जो पूछना होता है वो इनडायरेक्टली उसे पूछती है। ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग में स्कोरर टू स्कोरर ये डिफर नहीं करता है, जजमेंटल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। फोर्थ हमने देखा था सब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव का उल्टा होता है और इसमें जजमेंटल प्रोसेस भी होता है और ये स्कोरर टू स्कोरर डिफर भी करता है। आगे हमने देखा था डिस्क्रीट पॉइंट टेस्टिंग, इसके अंदर क्या होता है, हमेशा इनडायरेक्ट यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर आइटम पे हमारा पूरा फोकस होता है, आइटम टू आइटम चेक किया जाता है। अगला हमने देखा था इंटीग्रेटिव टेस्टिंग, जो कि मिला जुला टेस्टिंग होता है, लैंग्वेज एलिमेंट्स जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हमने बच्चे को बहुत सारे टास्क दिए उसको चेक करने के लिए। अगला है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक रूल, नॉर्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक रूल होता है, तो रूल रेफरेंस टेस्टिंग है, इनकी हम रूल बना देते हैं कि बच्चे का टेस्ट दूसरे बच्चे के मुकाबले कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कैपेबिलिटी जानने के लिए। नेक्स्ट वन है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, एक क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है कि इससे ऊपर वाले पास, इससे नीचे वाले फेल, या फिर इससे ऊपर वालों का रिजल्ट अच्छा रहा, उससे नीचे वालों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, एक मीनिंगफुल क्राइटेरिया इसमें तय किया जाता है। आगे हमने देखे थे कुछ 6 टाइप ऑफ टेस्ट। पहला प्लेसमेंट टेस्ट देखा था हमने कि एक बच्चे को जो हमें राइट क्लास में डालना होता है तो हम उसकी नॉलेज को चेक करते हैं ताकि अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी राइट क्लास में जा सके। डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा था जिसमें हमने देखा था कि एक बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसकी डेफिशिएंसी क्या है, उसको देख के फिर हम उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं।
आगे हमने देखा था प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स होता है, और इसमें क्या होता है लैंग्वेज और स्किल पर देखा जाता है कि एक बच्चे ने उसमें कितनी प्रोग्रेस की है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनल प्रोग्रेस, इसके नाम से पता चल रहा है कि लास्ट में टीचर एंड में जाके क्या करता है, बच्चे का अचीवमेंट देखता है कि उसने कितना अचीव किया है एट द एंड। नेक्स्ट वन इज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जॉब वगैरह के टाइम पे देखा जाता है आप कितने प्रोफिशिएंट है, कितने एबल है, कितने एक्सपर्ट है। एंड द लास्ट वन इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट, एक बच्चे को न्यू लैंग्वेज सिखाने के लिए देखा जाता है कि वो उसके लिए कितना तैयार है, या फिर वो कितना टैलेंट रखता है, कितनी एबिलिटी रखता है एक नई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। सो विद दिस आवर वीडियो एंड, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और द थम्स अप एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट। सो विद दिस बाय, हैव अ नाइस डे।